नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं उत्तराखंड खबरों की। ऋषिकेश पहुंचे उन्नाव के सांसद साक्षी महाराज ने आजम खान को 10वीं बार मिली लगातार जीत को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि रामपुर आजम खान का गढ़ है, इसलिए वो वहां से लगातार जीत रहे हैं। अब देखना यह होगा कि विधानसभा में जाकर वो जनता के मुद्दों को उठाते हैं या जनता को चलाने का काम करते हैं। इसी के साथ साथ साक्षी महाराज ने यह भी कहा कि पीएम मोदी के सबका साथ सबका विकास का महामंत्र कारगर सिद्ध हुआ है। यही कारण है कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सहित मणिपुर गोवा में भाजपा की सरकार बनाने के लिए अच्छी सीटें मिली। हमारा देश ही भगवा में हो रहा है। 5 प्रदेशों में चुनाव थे, पंजाब में पहले से भी हमारी उपस्थिति ठीक नहीं थी। 4 प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी की जोरदार तरीके से सरकार बन रही है। इसके लिए देश की जनता का, उन्होंने प्रदेश की जनता का हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करती है पार्टी। तो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी, जो विश्व के नेता हैं, उनका महामंत्र सबका विकास, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास, ये महामंत्र बहुत कारगर हुआ। और उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में जो मुख्यमंत्री हैं यहाँ के, श्री धामी जी और वहाँ योगी जी, उनकी छवि का भी बहुत बड़ा असर पड़ा। देहरादून में इस्तीफे के बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सामान्य सा कार्यकर्ता हूँ, पार्टी ने जो काम दिया उसको जिम्मेदारी से निभाया, आलाकमान से अभी तक किसी भी प्रकार की बातचीत नहीं हुई है। पुष्कर सिंह धामी ने चुनाव हारने के बाद राजभवन पहुंचे हुए मंत्रिमंडल का इस्तीफा सौंप दिया। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय नेतृत्व का धन्यवाद प्रकट करते हुए बताया कि उन्हें राज्य में मुख्य सेवक के रूप में कार्य करने का अवसर दिया था। सुनिए और क्या कुछ कहा है पुष्कर सिंह धामी ने। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं हुई है। मैं पार्टी का सामान्य कार्यकर्ता हूँ। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि मेरे जैसे सामान्य कार्यकर्ता को, जिसका कहीं पर कोई नाम नहीं था, उसको पार्टी ने मुख्य सेवक का काम दिया। और जो काम मुझे दिया था, मुझे खुशी है इस बात की कि हमारे प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से, हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व के आशीर्वाद से, उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के आशीर्वाद से वो काम पूरा हुआ है। इसलिए मैं सभी को अपनी तरफ से धन्यवाद भी करता हूँ। लक्सर सीट से जीत हासिल करने के बाद विधायक मोहम्मद शहजाद ने साबिर पाक दरगाह में चादर पेश की और जनता के विश्वास पर खरा उतरने की बात कही। बता दें कि लक्सर से जीत दर्ज करने के बाद विधायक हाजी मोहम्मद शहजाद ने अपने समर्थकों के साथ दरगाह साबिर पाक में चादर और फूल पेश कर देश में शांति की दुआ मांगी। इस दौरान विधायक हाजी मोहम्मद शहजाद ने कहा कि लक्सर की जनता ने जो सम्मान उन्हें दिया है उस पर खरा उतरेंगे। उन्होंने कहा कि लक्सर में पिछले 10 वर्षों से विकास नहीं किया गया है, जिसको वो गति देने का काम करेंगे और जनता ने उन पर जो विश्वास जताया है उसको टूटने नहीं देंगे। कलियर साबिर पाक की दरगाह है, उसमें हाजिरी के लिए पहुंचा हूं। कोई खास कार्यक्रम तो है क्योंकि हम कलियर को मानने वाले लोग हैं, ऊपर वाले ने सुनी है तो उसमें हाजिरी ये देने के लिए मैं आया। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत लालकुआ से चुनाव हारने और बेटी अनुपमा रावत की जीत के बाद हरिद्वार जाएंगे। वो हरिद्वार में मां गंगा का आशीर्वाद लेंगे। इसके बाद पिरान कलियर साबिर पाक भी की दरगाह पर भी जाएंगे। हरीश रावत ने अपने फेसबुक पेज पर इसकी जानकारी साझा की है। हरीश रावत की बेटी अनुपमा रावत ने हरिद्वार ग्रामीण से धामी सरकार के कद्दावर मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद को 4472 वोटों से पराजित कर जीत दर्ज की है। उत्तराखंड प्रदेश में चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। इसी क्रम में विधानसभा 31 में मौजूदा समय में रुड़की के पूर्व में रहे विधायक प्रदीप बत्रा ने बाजी मार ली है। बता दें कि प्रदीप बत्रा सबसे पहले रुड़की नगर निगम के चेयरमैन रहे, उसके बाद कांग्रेस के टिकट पर विधायक बने और फिर 2 बार भाजपा से विधायक रह चुके हैं और अब की बार दोबारा से भाजपा ने विश्वास जताते हुए रुड़की से उन्हें अपना दावेदार बनाया था। इसी बाबत एक बार फिर दोबारा प्रदीप बत्रा ने रुड़की से अपना विधायक की कुर्सी संभाल ली है और इसी के साथ प्रदीप बत्रा के समर्थकों ने खुशी जाहिर करते हुए जश्न मनाया।
साथियों का, सभी कार्यकर्ताओं का, सभी देवतुल्य जनता का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने इतना प्यार और इतना सहयोग और साथ दिया मेरा। संघर्षपूर्ण चुनाव रहा, संघर्ष में विजय सच्चाई की हुई, हमेशा विजय अच्छाई की होती है। और चुनाव शिष्टाचार का चुनाव रहा और तुर्की जनता ने जो है सच्चाई पर मोड़ लगाई है। जो अपोजिशन वालों ने नारा दिया था भ्रष्टाचार का, उसको जनता ने सिरे से नकार दिया है। और जनता चाहती है जो तुर्की में विकास कार्य चल रहे हैं, तुर्की को मॉडल सिटी बनाने का जो सपना है वो साकार होगा और तुर्की बहुत जल्द ग्रीन क्लीन स्मार्ट सिटी हमारा बनेगा, ऐसा मेरा भरपूर प्रयास रहेगा। केवल और केवल विकास का मुद्दा रहा और जो काम है वो दिखाई दे रहा है, और जो मोदी जी की कार्यशैली और जो धामी जी ने कार्य किए वो लोगों को दिखाई दिए। रुड़की के चाव मंडी रोड स्थित आरोग्यम हॉस्पिटल में निशुल्क हृदय जांच शिविर का आयोजन किया गया। कैंप के आयोजन में रुड़की शहर के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आरोग्यम हॉस्पिटल के हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर बजाज ने बताया कि हमारी तरफ से निशुल्क हृदय जांच शिविर का आयोजन किया जा रहा है। डॉक्टर बजाज ने बताया कि हृदय की गंभीर बीमारी से 50 मरीजों को अभी तक हमारे द्वारा जाँच की गई है और इस कैंप का आयोजन शाम 4 बजे तक चला। इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि कार्डियोलॉजी का कैंप महीने में एक बार भी लगेगा। करेंगे कैंप, अभी तो सुबह हो रही है, 50 मरीज की रजिस्ट्री हो चुकी है और 4 बजे तक कैंप चलेगा। यहाँ पे हम लोग फ्री ईसीजी, फ्री इको और फ्री पर्चे की सुविधा रखे हैं और ये कैंप वीकली होगा, अलग डिपार्टमेंट का वीकली होगा। तो महीने में कितनी बार होता है सर? कार्डियोलॉजी का कैंप महीने में एक बार होगा, लेकिन अलग अलग विभाग का कैंप हर हफ्ते होगा, तो हर हफ्ते या 10 दिन में। तो ये बिल्कुल निशुल्क होता है सर? बिल्कुल फ्री होता है। कलियर में मेरठ के अतराड़ा से आए जायरीनों का गुम हुए बच्चों के मामले में पुलिस ने बच्चों के पिता की तहरीर पर अज्ञात में अपहरण का मुकदमा दर्ज किया है और तलाश तेज कर दी गई है। दरगाह में जियारत करने आए एक परिवार का 1.5 वर्षीय बच्चा पार्किंग स्थल से गुम हो गया था। परिजनों ने सूचना पुलिस को दे दी, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बच्चे की तलाश में जुट गई थी। साथ ही सीओ विवेक कुमार घटनास्थल पर पहुंचकर घटना का जायजा लिया और इस दौरान उन्होंने थाना अध्यक्ष को बच्चे की तलाश करने के निर्देश भी दिए। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। तमाम देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।